Good morning students, how are you all? So today we will start our second chapter of civics and that is federalism. So before starting that chapter, let's recall the things which we have learned in the first chapter of civics. So in the first chapter we have learned about power sharing and we read that story Belgium and Sri Lanka. So let's recall the story of Belgium and Sri Lanka. So if we talk about Belgium, they share power between state and central and community government. And if you talk about Sri Lanka, then they didn't share any power. Sri Lanka. So if you talk about Belgium, so Belgium में क्या होता है कि जो means वो central government की बात करें तो एक बोले कि ministers हो जाते हैं या French community के या Dutch community के, ठीक है, और state level पर भी power दी जाती है मिनिस्टर्स किए जाते हैं. और जो कम्युनिटी है जो लैंग्वेज बेसिस था, यू टॉक अबाउट जर्मनी ऑल्सो, फ्रेंच ऑल्सो, डच ऑल्सो, मीन्स कम्युनिटी बेसिस पे भी पावर दी गई, मीन्स कम्युनिटी गवर्नमेंट में बनाई गई. इट मीन्स व्हाट वी लर्न अबाउट दिस स्टोरी ऑफ बेल्जियम दैट दे शेयर पावर, ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट श्रीलंका देन दे डू नॉट शेयर पावर, उन्होंने पावर शेयर नहीं की ना. सो सी बेटा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स पावर सारी की सारी पावर अपने हाथ में ना रखे, स्टेट गवर्नमेंट को शिफ्ट कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को शिफ्ट कर देती है, मीन्स शिफ्ट ऑफ पावर जो होता है दैट इज नोन एज फेडरलिज्म. ओके, मीन्स ये जो पावर शेयरिंग है, इस पावर शेयरिंग के थ्रू हम किस कंसेप्ट की बात करेंगे, फेडरलिज्म की बात करेंगे. ओके, एंड फॉर दिस आई वांट टू गिव एन एग्जांपल. सपोज कि आप किसी कंपनी के मीन्स ओनर बन जाते हो, आप कोई कंपनी ओपन करते हो और आप उस कंपनी का सारा काम अपने आप करने के बजाय आप लोगों को ये बोल दो, मीन्स उनको अपने मैनेजर अपॉइंट करोगे, आप ये काम करोगे, आप मेरे मैनेजर हो, आप ये काम करोगे और मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है. तो मीन्स आप अपना काम जो अपनी पावर है, अपनी कंपनी आपकी है ना, आप अपनी पावर को डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बांट के चले जाते हो ताकि जो बहुत वो स्मूथली हो जाए, लोगों में डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है. तो ये क्या होता है, उसने क्या किया, आप इस तरह से क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, ठीक है. सो ये जो पावर शेयर करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से फेडरलिज्म बोलते हैं. कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि सारी की सारी पावर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती. यहाँ पे क्या होता है फेडरलिज्म में कि एक गवर्नमेंट से ए मीन्स गवर्नमेंट का एक लेवल नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. सपोज यू कैन टॉक अबाउट आवर कंट्री, इन आर कंट्री थ्री लेवल्स आर देयर ना, मीन्स एट द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट इज देयर, एट द स्टेट लेवल गवर्नमेंट इज देयर एंड एट द लोकल लेवल. सो इन दिस वे वी विल स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक एंड दैट इज फेडरलिज्म. ओके, सो व्हाट इज फेडरलिज्म वी विल डिस्कस. सो दिस बेल्जियम एंड श्रीलंका वी हैव डिस्कस्ड ना कि इन बेल्जियम दे शेयर द पावर, फेडरलिज्म इज देयर, एंड नाउ इन श्रीलंका दे at that time they didn't share power na. Now shifting of power from central government to regional government in Belgium, if you talk about in the case of Belgium, what happened in the case of Belgium, ki jo power ki shifting hui thi central mein thi pehle, aisa nahi tha ki pehle power state ke paas bilkul nahi, state ke paas bhi power thi but uska koi written record nahi tha. But after this in Belgium ki unko jo state government hai, jo regional government hai aur jo community government hai, unko constitutionally power di gayi, which constitution mein likha gaya ki ye power kiske hands mein hai, state government ke hand mein, central government equal equal ministers rahenge, means aisa nahi ki ki main bol dungi chalo ha main promise karti hu ki ye dungi wo, means bolne mein aur agar main return mein de dungi sure ho jata hai ki ha main wo deni hi deni chahiye hai. To Belgium mein kya tha ki iske baad jo Belgium mein usme jo power ki shift hui thi wo constitutionally कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने लिख दिया था कि सेंट्रल की ये पावर है, स्टेट की ये पावर है, मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे, कम्युनिटी पावर दी जाएगी. ओके, रीजनल गवर्नमेंट वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. सो रीजनल जो गवर्नमेंट थी बेल्जियम में उसको क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई, मीन्स इन रिटन फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है दैट मीन्स दैट हैज टू बी गिवन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट फेडरलिज्म और यूनिटरी, नाउ सी यहाँ पर यूनिटरी की बात चलती है. यूनिटरी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द
अपोजिट वर्ड ऑफ फेडरलिज्म. ओके, फेडरलिज्म मीन्स क्या होता है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनिटरी देन यूनिट, यूनिट मीन्स वन ना, सो इट मीन्स ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सो अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड यूनिटरी. फेडरलिज्म मीन्स कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर की शिफ्टिंग करेगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, और स्टेट गवर्नमेंट करेगी रीजनल गवर्नमेंट यूनियन से लोकल गवर्नमेंट की तरफ. बट इफ यू टॉक अबाउट यूनिटरी, यूनिटरी यूनिट वन ओनली मीन्स एक कंट्री में एक ही गवर्नमेंट है. सपोज की सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो, सारे के सारे पावर्स उसने अपने हाथ में लिए, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा करेगी उसके अकॉर्डिंग ही सबको करना है. स्टेट गवर्नमेंट की या रीजनल कम्युनिटी गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है. ओके, सो अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी. फेडरल मीन्स मोर देन वन लेवल, मीन्स इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पावरफुल होती है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती. बट इफ वी टॉक अबाउट यूनिटरी, यूनिटरी मीन्स सारी की सारी पावर एक ही, हम ये बोल सकते हैं कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के हाथ में होती है, या फिर यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर सेंट्रल मीन्स फाइनल अथॉरिटी होती है. ओके, सो नेक्स्ट फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. सो अंडरस्टूड, फेडरलिज्म एज अ सिस्टम इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यू कैन से जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो स्टेट्स होती हैं उसमें पावर डिवाइड होती है. ओके, सो वी कैन से दैट इन फेडरलिज्म जो पावर है वो सेंट्रल से स्टेट की तरफ शिफ्ट होती है, स्टेट से लोकल की तरफ शिफ्ट होती है. लाइक इट्स ऑल्सो सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. सो अप टू हियर बेटा व्हाट इज फेडरलिज्म, इट इज क्लियर दैट फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर एग्जिस्ट एंड इन दैट द पावर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड दी यूनिटरी गवर्नमेंट, दैट व्हाट इज द डिफरेंस, दैट यूनिटरी मीन्स वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स ओवर पावर इन रेस्टेड इन ओनली वन हैंड. एंड इफ यू टॉक अबाउट फेडरलिज्म देन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. सो सी बेटा, फर्स्ट फीचर, देयर आर टू और मोर लेवल टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट. सो फर्स्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज दैट देयर इज मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं. इन आर कंट्री देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मींस मोर देन टू ना, लोकल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो इट इज क्लियर दैट इज द बेसिक फीचर्स की सारी की सारी पावर एक सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल के हाथ में नहीं होती, या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के हाथ में नहीं होती. वो पावर क्या है, डिवाइडेड होती है. ठीक है, सेंट्रल की और स्टेट की मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में पावर डिवाइड की जाती है. सो इट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म. नाउ सेकंड फीचर, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन. नाउ सी कि एक सिटीजन है दैट इज गवर्न बाय द ऑल थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हाउ, सी टेक एग्जांपल ऑफ योर, सपोज यू आर लिविंग इन मींस यू आर इन हरियाणा होंगे ना. सो अगर आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो लाइसेंस कौन प्रोवाइड करेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ना. ठीक है, राइट टू वोट चाहिए, सपोज विलेज में रहते हो आप, अपने वार्ड में रहते हो, देन जो आपको वार्ड काउंसिलर है या फिर जो आपके मीन्स जो पंच में जो सरपंच है वो कराएंगे. इफ यू टॉक अबाउट कि हमें बाहर जाना है, हमें वीजा लगवाना है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर में आ जाता है. ठीक है, एंड दीज थ्री गवर्नमेंट्स दे हैव डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज, सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक. सो अप टू हियर व्हाट इज क्लियर कि जो सिटीजन है, सेम सिटीजन्स है, वो किस किस के
सेंटर आता है वो ऑल थ्री टाइप्स। सपोज कि हम हरियाणा में, तो हमारे जो हरियाणा स्टेट है मीन्स जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है जो रूल्स रेगुलेशन बनाई गई थी तब तो बोलते हैं उसको मीन्स हम स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं। सपोज वी आर लिविंग इन स्मॉल टाउन जो मीन विलेज, देन जो विलेज में हमारी जो पंचायत है उसके अंदर में भी आते हैं तब तो बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड वी आर लिविंग इन इंडिया ऑल्सो ना, हरियाणा स्टेट इंडिया मीन्स ऊपर जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं जैसे डिफेंस से रिलेटेड है या फिर फॉरन अफेयर्स है, तो हम किसके अंडर में आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सो सी वेदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, अंडरस्टूड हाउ दे गवर्न, ये सिटीजन क्यों इंडियन चीज मीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी, और बात करें तो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में भी है। ओके, की वो बात इस पर वैरी करता है कि उसको उसका जो पर्पज है वो किस उसमें है, कि उसको डिफेंस रिलेटेड है, फॉरन अफेयर्स है, या कोई लाइसेंस चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ और उसका पर्सनल जो इशू है उस पर डिपेंड करता है। बट ईच चाइल्ड हैज इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, कि ईच चाइल्ड की अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, कि अपना अपना उसका दायरा है। ज्यूरिडिक्शन मीन्स यहाँ पे अलग अलग उसका दायरा है कि अगर टैक्सेस डिफेंस या फिर फॉरन अफेयर्स रिलेटेड है देन इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक आ जाती है हमारी कि एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड है दैट इट्स कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो इस तरह से जितने भी ट्रायल होते हैं गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स उनकी अपनी अपनी ज्यूडिक्शन होती है। सो अंडरस्टूड, सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट फीचर द ज्यूडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स फॉर ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ईस्ट ईयर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। नाउ कि अब हमें ये तो पता चल गया कि इनकी ज्यूडिक्शंस होती हैं वो थ्री टाइप्स मीन्स दे हैव डिफरेंट डिफरेंट मीन्स उनका अपना दायरा होता है। अब ये दायरा होता है कि जो टैक्सेस है डिफरेंस है वो उसके अंदर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो अगर सिर्फ बोल दिया है कि बोलने से ये बोल दिया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है स्टेट की है और लोकल की है और वो इतने सिंसियर है कि अपने आप को बोलेंगे, नो। इसके लिए क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली उनको गारंटी दी गई है वो रिटन फॉर्म में है कि दीज मैटर्स कम अंडर कंकरेंट लिस्ट, दीज मैटर कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। ओके, एंड अबाउट दीज ऑल्सो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। सो बेटा अब इन थर्ड फीचर व्हाट इज द थिंग दैट द ज्यूडिशियल इज नो दायरा ऑन दीज थ्री लेवल्स, दीज दायरा मींस दीज ज्यूडिशियल आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन मींस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था जो उस टाइम के लीडर्स थे दे नो वेरी वेल all these problems, so after recognized all problems they have written the specific jurisdiction related to these titles in the constitution aur unko constitutionally guarantee ki gayi hai। Okay, means ki constitution mein likha hua hai ki unke beech mein conflict na start ho jaye, theek hai, ki nahi ye to mera nahi hai, aap means aapke paas kya proof hai ki state government central government se ladne le jaye कि ये तो ज्यूडिशियल मेरी है, ठीक है, ये राइट मेरा है, तो आपके पास क्या प्रूफ है, तो उस बेस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास प्रूफ होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास प्रूफ होता है कि वी हैव दिस राइट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस। सो दिस स्पेसिफिक दिस ज्यूडिशियल दिस ज्यूडिशियल स्पेसिफाइड टू ऑल दिस टायर्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मीन्स उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। नेक्स्ट फीचर The fundamental provisions of the constitution cannot be changed unilaterally by one level of government. Now next point, कि अब ये तो हो गया कि constitution ने jurisdiction इनकी specified की है, guaranteed की है। Okay, now one thing कि अगर central government power में है तो central government अपने benefit के लिए क्या करेगी, कि central government हो सकता है constitution को ही change कर दे, ठीक है, सारे पावर उसके हाथ में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी रातों रात चेंज कर सकते हैं ना, और उसमें ये लिख सकते हैं ये सारी सारे ज्यूडिशन जो सारे सारे राइट्स है वो सेंट्रल यूनिट के अंडर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। बट सी द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो प्रोविजन है जो
गवर्नमेंट का कोई वन लेवल, सपोज कोई सेंट्रल लेवल या कोई स्टेट लेवल, उसको चेंज नहीं कर सकती अकेले अपने आप कि जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट में है, सपोज कि बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि अगर उसको कोई रूल रेगुलेशन चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हो या अपने मिनिस्टर के साथ मिलकर अपने आप चेंज नहीं करेंगे, उनको किसके साथ बैठना पड़ेगा, किससे बातचीत करनी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं, ना तो केवल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सो अंडरस्टैंड इट आपको हियर दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल जो प्रोविजंस है उनको कोई यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता, मीन्स वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए किसको सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को इकट्ठा बैठना पड़ता है, तब वो चेंज होते हैं ही देयरफॉर एनी चेंज। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कोर्ट, सो वी कैन से द कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, हाउ इट प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बट हाउ इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सी द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंटरप्रेट करना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, रूल्स रेगुलेशंस बताना, किसका काम है कोर्ट्स का, एंड दी पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल है कि स्टेट लेवल की क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, ये सारा इंटरप्रेट करना और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है, कोर्ट्स के पास है। इट इज ऑल्सो द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म में कोर्ट के पास ये पावर होती है कि इट कैन इंटरप्रेट द पावर ऑफ ऑल दी लेवल्स, ऑल थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज इट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। ओके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ गलत है, कुछ गलत रूल्स बनाए गए हैं, देन इट कैन बी चेंज। नेक्स्ट अब कोर्ट्स क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, की जो कोर्ट्स है फेडरलिज्म में, मीन्स फेडरलिज्म कंट्री में कोर्ट्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, ये एज अ अंपायर काम करता है व्हेन कि जब डिस्प्यूट्स अराइज हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ड्यू टू देयर इंटरनल और ड्यू टू देयर इंटरेस्ट, मीन्स जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके उनको लेकर उनको एक दूसरे के साथ अगर वो डिस्प्यूट स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं मुझे इतनी पावर देनी है, मेरी पावर कम है, ठीक है, तो एक दूसरे के साथ जब वो डिस्प्यूट स्टार्ट कर देते हैं देन जो अंपायर है पीछे में होंगे डिस्प्यूट उसको कौन सोल्व करता है, सोल्व आउट करता है दिस दिस कोर्ट। सो दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। नाउ नेक्स्ट फीचर, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। नाउ इट इज ऑल्सो फीचर ऑफ फेडरलिज्म कि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए कि स्टेट लेवल की अपनी ऑटोनॉमी यानी अपनी इंडिपेंडेंट है, वो उसके अपने रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं कि वो वहाँ से पैसा टैक्सेस कलेक्ट करेगा अपने एरिया से और अपनी गवर्नमेंट को वो स्मूथली रन आउट कर सकते हैं। और ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग एरियाज होते हैं जहाँ से वो रिवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू ऑल्सो स्पेसिफाइड फॉर ऑल दी थ्री लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, की फेडरलिज्म में इनके सिर्फ पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, पावर को स्पेसिफाइड नहीं किया गया, इनके सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू को भी स्पेसिफाइड किया गया जाता है फेडरलिज्म। ओके नाउ नेक्स्ट द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव, कि जो फेडरल सिस्टम होता है उसके ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ड्यूल ऑब्जेक्टिव कैसे, एक तो क्या करता है ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, कि कंट्री में यूनिटी बनी रहे, कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर स्पेसिफाइड है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी ये फील होता रहेगा कि हमारे पास पावर है, मीन्स हमारे में इम्पोर्टेंट रोल गवर्नमेंट में, ओके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है और लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, सभी को अपने इम्पोर्टेंस फील होती रहेगी, मीन्स वो बन के रहेंगे कि हमारी कंट्री है, हमें पावर मिली हुई है, तो मीन्स यूनिटी बना के रखता है कंट्री की क्या फेडरलिज्म। जैसे कि आप श्रीलंका में क्या, श्रीलंका में नहीं है ना सारी की सारी पावर सिर्फ बालास को दी हुई, जो तो मेन स्पीकर्स हैं उनके साथ भी ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेट किया गया है, तो वो भी नहीं हो रहा ना, वो अपनी कंट्री नहीं मान सकते,
we had discussed what is federalism. So federalism means the more than one level of government in a country, and the power shifts to central to state and state to local government. Okay, isme kya hota hai, federalism mein power kisi one person ke hand mein ya one unit ke hand mein nahi hoti. And if we talk about the difference between federal and unitary, then federal means more than one level of government, but unitary means only one level of government. Okay, and the next thing, the features of federalism, it can come in exams also. Of 5 class questions, 5 capital here, 7 points. You can take the screenshot, and as a same thing, you can write in the one question paper also. Means this is 5 marks. Interpret what also specified in the constitution of each level of